सिंगरौली जिले में खनिज विभाग ने जब से रेत का ठेका सहकार ग्लोबल कंपनी को दिया है, तब से चोरी और अवैध परिवहन करने वाले कारोबारियों में खलबली मच गई है। ऐसे ही एक तथाकथित युवा नेता जो लंबे समय से रेत की चोरी करते थे, उनकी चोरी पर लगाम लगते ही उनके अंदर की बौखलाहट बाहर आ गई और वो गलत तरीके से रेत ठेका लेने वाली कंपनी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। सिंगरौली में रेत चोरी करने वाले एक तथाकथित युवा नेता का ऑडियो वायरल हो रहा है। रेत चोर नेता सहकार ग्लोबल कंपनी के उच्च अधिकारियों को झूठी शिकायत में फंसाना चाहता है। दरअसल बीते दिनों खदान में हुई मारपीट मामले में ग्लोबल कंपनी के कर्मचारियों का कोई दोष नहीं बताया गया, लेकिन ड्राइवर की गलती के कारण और गाली गलौज देने के कारण हाथापाई हो गई और पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लिया। उसी का मौका उठाकर तथाकथित युवा नेता सहकार ग्लोबल कंपनी के आरोपी कर्मचारियों से फोन पर बात करते हुए अपने उच्च अधिकारियों का नाम लेने के लिए कह रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।